एक फिजियोथेरापिस्ट और हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर किंजा सैफुल्ला। आई एम सिटिंग हियर इन फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल। माई टाइमिंग इज 8 o'clock टू 1 o'clock मॉर्निंग। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का जदीद मशीनों के साथ इलाज किया जाता है। अगर मैं आपको राउंड करवा दूँ, इसमें 4 कैबिन्स हैं और यहाँ मोर्टेलिटीज़ भी फिजियोथेरेपी की तकरीबन सारी मोर्टेलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। टाइम डायलिसिस के वाले रूम में आए हैं और हमारे साथ बहजाद साहब हैं जो इंचार्ज हैं यहाँ के। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये हमारा डायलिसिस यूनिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 ईयर से ये रन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मतलब के फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। डायलिसिस यहाँ पे कोई भी मतलब के किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। फ्री डायलिसिस है।
पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि आपने देखा है, और थिएटर्स हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है हमारा, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो इनके साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ मैं। और डॉक्टर इरफान चूँकि मौजूद है यहाँ पर, तो उस वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें मैनेज हो रही। अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताएंगी कि और क्या, वैसे तो बिल्कुल बेहतरीन हॉस्पिटल है, किन चीज़ों की आप कुछ कमी महसूस करती हैं, कुछ डॉक्टर्स हों या कुछ और फीमेल डॉक्टर्स हों जिससे और ज़्यादा लोगों को जो है ना फैसिलिटीज़ मिल सकें, तो आप थोड़ा सा बताएंगी कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो मैं ये समझती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम यहाँ पे ये काम जो इतना कर रहे हैं उसका लोगों को पता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको नहीं पता है, और जो हमारी अफोर्डिंग कम्युनिटी है उनको नहीं पता है। वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि उनके डोर स्टेप के साथ ही इतनी अच्छी फैसिलिटी मौजूद है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो अफोर्डिंग कम्युनिटी है, उनको चाहिए कि इतना अच्छा जो सेटअप है उससे मुस्तफीद हों, बजाय इसके कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर लाहौर जाते हैं। तो उनको ये थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गायनी की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, 24/7 कवरेज मौजूद है गायनाकोलॉजिस्ट की, और हमारे पैनल पर प्रोफेसर लेवल की गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सरवत आरा हैं, डॉक्टर जोनिया निज़ामी हैं, और डॉक्टर कुरतुलैन हैं, डॉक्टर शाहिदा इफ्तखार साहिबा हमारे पैनल पर मौजूद हैं, और 24/7 कवरेज है। और इसी तरह हमारे पास नर्सरी की फैसिलिटी मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ता है, ICU की फैसिलिटी मौजूद है, NICU की, CCU की, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी सी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। ये थी जी साइमा इरफान साहबा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हर किस्म की मौजूद है, और लोगों को अभी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस मुकाम पे जो ये किनाल रोड है, इस जगह पर इतना बड़ा और शानदार हॉस्पिटल है। अगर आप आएँ और विज़िट करें, आपको आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है ना किसी भी पेशेंट के लिए, जो लोग यहाँ पे रहते हैं करीब करीब, जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी हेल्थ कार्ड के ज़रिए और अदर चीज़ें जो हैं, यहाँ के कैंप्स भी लगते हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ का एक विज़िट करें, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन ज़िंदगी है, बीमार तो इंसान होता ही है, और गायनी का, डायलिसिस का ऑपरेशन है, न्यूरोसर्जन है, फिजिशियन है, यहाँ पे आर्थोपेडिक है, यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए थेरापिस्ट है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। और हम अपने नाज़रीन को अपने चैनल के थ्रू कहेंगे कि ये किनाल रोड पे है, रोड के ऊपर ही है, तो गटवाला के करीब आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।